जिला प्रशासन व समाज कल्याण विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे बुजुर्गों के बीच प्रतियोगिता कर उनका स्वास्थ्य कार्ड भी बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन व समाज कल्याण विभाग द्वारा एक दिवसीय वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन दुर्ग के खालसा पब्लिक स्कूल में किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पहुंचे बुजुर्गों का स्वागत कर उनके बीच खेलकूद की कुछ प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, साथ ही पुरुष महिला को अलग अलग ग्रुप में बांटकर स्पर्धा भी कराई गई, जिसे बड़े उत्साह के साथ कार्यक्रम में पहुंचे बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। इसमें स्लो रेस, कुर्सी दौड़ इत्यादि का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि जिला प्रशासन व समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जिला चिकित्सालय एवं जिला आयुर्वेद की टीम द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण एवं चिकित्सकीय परामर्श की सुविधाएं भी दी गई। वही मनोरंजन के लिए वरिष्ठ नागरिकों द्वारा सांस्कृतिक संगीत कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भरण पोषण अधिनियम के संबंध में विस्तृत जानकारियां दी गई। इस अवसर पर पहुंचे दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कार्यक्रम में पहुंचे वृद्ध जनों से मुलाकात कर चर्चा की और उनका हालचाल जाना। इस संबंध में दुर्ग सांसद विजय बघेल, समाज कल्याण विभाग के उप संचालक कमलेश पटेल व एल्डरमैन रत्ना नारामदेव ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं इनको वृद्धजन नहीं कहूँगा, पूरे जीवन के अनुभव इनके पास और इनके अनुभव का लाभ हमें लेना है, समाज को लेना है, आने वाली पीढ़ी को लेना है। हमारे सभी बुजुर्ग जन स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और इनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता है, यही कामना मैं करता हूँ। और मैं भी, मेरा भी उनका भी दिक्कत का नहीं है, मैं भी इनके ही जिंदगी में आ गया हूँ। तो मैंने ये सीखा है बुजुर्गों से कि बुजुर्ग के बिना वाकई में हम अधूरे हैं, जैसे गुरु के बिना अधूरे हैं, जैसे माता के स्नेह और प्यार के बिना अधूरे हैं, बहनों को प्यार के बिना अधूरा है, वैसे ही हमारे सभी तरह के अनुभव अलग अलग विभागों में काम किया, अलग अलग क्षेत्रों में काम किया और उनका अनुभव का लाभ हमें लेकर इस देश को आगे बढ़ाना है। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी से हमारे करते हैं कि बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करें और उनसे हमको सीखें, उनके बताए रास्ते पर चलें और इस देश को और आगे बढ़ाएं। सभी वृद्ध कहलाने लगते हैं और समाज कल्याण विभाग के माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, वास्तव में सराहनीय है, क्योंकि वृद्ध एक 60 साल के बाद जब नौकरी से हटते हैं तो उसके बाद उनको एक असहाय से महसूस करते हैं कि हम लोग वृद्ध हो गए, हमारी कोई कुछ फर्क नहीं है। परंतु समाज कल्याण विभाग से इन लोगों को एहसास कराया गया कि आप लोग वृद्ध नहीं हैं, आप लोग आज भी हैं और आप लोगों को अपने स्वास्थ्य के स्वयं को रक्षा करनी है और इसके कारण वृद्धों को समय समय पर लोगों को बताया भी जाता है कि आप लोगों के आज स्वास्थ्य परीक्षण भी कराए जाते हैं, आप एक बार वृद्धाश्रम भी जाए वहाँ भी स्वास्थ्य परीक्षण होते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी यहाँ पर वृद्धजन आए हैं 60 से लेकर 90 साल के, जिनके साथ प्रतियोगिताएँ हो रही हैं उसमें जीतेगा कोई हारेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु हाँ उनका मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा कार्य है और इसी तरह महिलाओं का भी मनोबल बढ़ता है, क्योंकि आज परिवार में बेटे बुजुर्ग लोग रह गए हैं तो वृद्धों का सम्मान घर में कम होने लगा है। हम चाहते हैं इस कार्य के माध्यम से परिवार के लोग यदि ये घर का वृक्ष रहता है हमें सब परिवार, हम चाहेंगे हमारा वृक्ष फलभूत रहे, जितने भी हमारे परिवार उनको आशीर्वाद देंगे। हम ये लोगों से निवेदन करूंगी मैं आज की यंग पर्सन से कि हमारे वृद्धों को सम्मान दें, यदि आप उनका सम्मान करते हैं, उनका आशीर्वाद देते हैं तो आप जिंदगी में कभी फेल नहीं हो सकते, क्योंकि वृद्ध परिवार के माता पिता जो हैं वो कभी बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं और यहाँ पर जब रहता है आज बहुत खुश है, मुझे भी खुशी हो रही है क्योंकि मैं भी उस पड़ाव पे शुरू हो गई हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि हर वृद्ध खुश रहे और समाज कल्याण विभाग को धन्यवाद देना चाहूँगी कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहे और वृद्धों का सम्मान करते रहे। मैं रत्ना नारायण प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है, इसी परिप्रेक्ष्य में जिला प्रशासन एवं समाज कल्याण के माध्यम से आज खालसा स्कूल में प्रोग्राम रखा गया है और 1 अक्टूबर 1990 से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इसको चयनित किया गया था कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए एक दिवस होना चाहिए। इस दिवस में उनके सम्मान के लिए हम विभिन्न प्रकार से खेलकूद प्रतियोगिता रखे हैं, जिसमें 60 से 70 के लिए अलग है,
70 से 80 के लिए अलग है और 80 से ऊपर के लिए अलग है, मेल फीमेल दोनों के लिए रखा गया है। साथ ही इनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए भारतीय कॉलेज से भी, अरविंद कॉलेज से 10 डॉक्टर टीम मंगाए हैं, जिला अरविंद कॉलेज से भी आए हैं और जिला अस्पताल से भी हमारे टीम आई है। निःशुल्क रूप से इनका स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे, साथ ही इनका दवाई का वितरण करेंगे। उसी प्रकार हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से 2 से 2.5 के बीच में वहाँ से सचिव महोदय भी आएंगे, अगर किसी प्रकार की विधिक सहायता की आवश्यकता है तो निःशुल्क रूप से उनके द्वारा वकील उपलब्ध कराया जाता है। इसी तरह कोषालय से हमारे ट्रेजरी अधिकारी भी आएंगे, किसी के पेंशन प्रकरण या अन्य प्रकार से जो प्रकरण रुके हैं उनके लिए हमारे वरिष्ठ नागरिकों से वार्तालाप भी करेंगे। और हमारे इसमें आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सम्मानीय कैबिनेट मंत्री और अध्यक्षता कर रहे हैं विधायक, नगर विधायक और विशिष्ट अतिथि यहाँ पर निरंतर, जैसे अभी रत्न नारायण मैडम है, लगातार मैं हमारे जो अतिथिगण आ रहे हैं और लास्ट में हम इनको सम्मान करेंगे। जो वरिष्ठ नागरिक है जो 80 साल से ऊपर है उनको तो विशिष्ट सम्मान करेंगे, साथ ही जितना भी यहाँ पर आज भाग लेंगे सबको एक सम्मान पूर्वक उनका सम्मान करते हुए लास्ट में विदा करेंगे। दिन भर का कार्यक्रम है आज सुबह। अपना परिचय बताओ। मैं कमलेश कुमार पटेल, उप संचालक समाज कल्याण विभाग दुर्ग। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।